नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के पुलिस लाइन स्थित पुरानी बैरक का छज्जा भरभरा कर गिर गया। देर रात हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दूं, बैरक के मलबे में दबकर एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। घायल को जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की खबर सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में गमगीन का माहौल सा छा गया। हमारे संवाददाता संजय अवस्थी के साथ देखें ये रिपोर्ट। गंभीर अवस्था में व्यक्ति को लाया गया है, क्या है मामला और कैसी उसकी हालत? यहाँ पर पुलिस लाइन से एक पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में लाया गया था। उनका एग्जामिनेशन करने पर उन्हें मृत पाया गया। उनके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। क्या जानकारी हुई है? उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया है कि बैरक गिरने की वजह से उनको चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें यहाँ आना पड़ा। बांदा पुलिस लाइन में 7-8 की रात को लगभग 1:15 बजे एक पुरानी बिल्डिंग जिसका आधा हिस्सा मीटिंग हॉल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके आधा हिस्से में जो ओपन वरांडा था वो रात को कर कुछ उसका हिस्सा गिर गया। उसमें हमारे एक जवान कांस्टेबल सोमेलाल यादव वहाँ हाथ सो रहे थे, उनको उसमें गंभीर चोट आई। तत्काल उनको रेस्क्यू करते हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया, परंतु वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद तत्काल मौके पर सभी अधिकारी द्वारा पहुँचा था और वहाँ पर जितना भी मलबा था उसको साइड पर करवा के उसको चेक करवाया गया पुलिस स्टेशन पर। इनके परिवार को सभी को सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी मतलब पुलिस विभाग की तरफ से परिवार के लिए नियम अनुसार होगी।